नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मोहित द्विवेदी है। आज के वीडियो को हम देखेंगे और सीखेंगे कि भागवत कथा में हम छोटा सा साउंड सेटअप कैसे सेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं हमने मिक्सर यूज़ किया है, साउंडक्राफ्ट EFX 12। बहुत ही अच्छा मिक्सर है और इसका जो काम है वो भी बहुत ही अच्छा है। इफ़ेक्ट इसका बहुत ही पसंद है मुझे और आप सब भी इसको परचेज कर सकते हैं। एक नंबर पर महाराज जी का माइक है, दूसरा खाली है, तीसरे पे कोरस है, चौथे पे भी कोरस है, पांचवा भी खाली पड़ा हुआ है और इस पे हमने जो है तबला की चाटी और बेस का काम किया है, कीबोर्ड और पैड, और ये हमारा एक FM माइक, और यहाँ से हमने जो अपना बजाते हैं गाना उसका है, और यहाँ से हमने एक आउटपुट लिया है रिकॉर्डिंग के खाते। आप देख सकते हैं मेन मास्टर 0 dB से थोड़ा ऊपर तक ओपन है। उसके बाद हम सभी जो है अपना अपना जो भी फेडर जितना चाहिए उतना अमूमन सारा ही बढ़ा देते हैं, उसके बाद गेन से ही काम करते हैं, और ये अपना जो रिकॉर्डिंग चल रहा है वो है, और आप बैकग्राउंड में सुन ही रहे होंगे कि आवाज़ आ रही है क्योंकि प्रोग्राम चल रहा है। और हमने मशीन जो यूज़ की है 508 हॉर्न के लिए, स्पेंजर 1000 और म्यूजिक टोन का 3100। बहुत ही अच्छा प्रोग्राम था, इसको मैं क्या काफ़ी खुश थे। हमने यहाँ पे 2 12 SRX 725 जो आता है वो लगाया था, 2 मॉनिटर 4 12 इंच हमने यूज़ किया था आउटर के लिए, 4 12 इंच आउटर के लिए है, 2 मॉनिटर स्टेज की ओर है और दोनों साइड से SRX 725 जो 15 इंच के बॉक्स हैं वो यूज़ किए हैं। तो आप देख सकते हैं पंडाल कुछ इस टाइप से था, और 2 बॉक्स हमने थोड़ा सा आगे बढ़ा के यूज़ किए हैं जहाँ पे जो इनके गेस्ट लोग बैठेंगे वहाँ के लिए। तो दोस्तों, कुछ इस प्रकार से सेटिंग थी, और आप देख सकते हैं स्टेज के साइड से दोनों तरफ से हमने एक एक टॉप दे रखा था। तो कुछ इसी प्रकार से था। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।